इंटरेस्ट भाई, क्वेश्चन ये था कि ये सब कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके बीच में जो बोलते हैं कि जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, जिसका वक्त मुकर्रर है, लेकिन इसके वजह से जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, कि किसी के एग्जाम चल रहे थे, कुछ हो रहा था, स्पेशल फोकस इज ऑन द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, मे बी फ्रॉम इंजीनियरिंग, मे बी फ्रॉम ये, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी जो दिख के आ रहा है कि प्रीशियस कमोडिटी जो है वो है फार्मेसी स्टूडेंट्स, कि इन्होंने 4 साल अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इनको समझ भी है, तो ये जो एक क्या बोलते हैं उसकी जो जो ताकत है और जो ये स्ट्रेंथ है, इसको हम किस तरीके से एटलीस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम औरंगाबाद इसको यूज कर सके। हमारे पास बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, वोकहार्ट है, मिडास है, कि आपको इसके लिए हम कुछ मदद कर सकते हैं तो वो बताइए, या फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो बताइए। और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, जो भी पता है कि सब कुछ साइडलाइन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन ये आज की जरूरत है कि अगर ये फ्रेश ब्लड हम लेके आएंगे तो हो सकता है कि ये कुछ नया काम कर जाए और जो दुनिया में आगे किसी ना किसी को जो फायदा करके चले जाए। शोएब भाई, एक बात ये है कि मतलब ये तो सभी लोग मानेंगे, हम दुनिया में कहीं पर भी रहे, द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी द सेम आफ्टर दिस कोविड। मतलब दुनिया बहुत कुछ बदल जाएगी उसमें। और ये बात भी सही है कि हमारा जो यूथ है, जो इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारा युवक, उसको हम अब किस तरह से कैपिटलाइज करेंगे। मतलब अब दुनिया के अंदर देखिए, मतलब चाइना का क्या हाल होने वाला है, यूएस हमारे को रखेगा नहीं रखेगा, यूएस का क्या स्टैंड रहने वाला है, दीज आर ऑल क्वेश्चंस की। तो हमें अब ये सोचना है कि हम अपने आप को किस तरह से यहाँ पर एक पावरफुल एक सेंटर बना सकते हैं। एंड आई थिंक जैसा आपने फार्मेसी के बारे में कहा है, मैं तो सिर्फ फार्मेसी ही नहीं, औरंगाबाद नाउ इज इमर्जिंग एज अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑल्सो। फार्मेसी की आपने बात करी है उसमें। नाउ द बेस्ट थिंग इज कि जो बच्चे फार्मेसी के अंदर है, उनको एक चीज समझना चाहिए कि अब आप जॉब्स मत देखिएगा, ट्राई एंड आप ये कोशिश करिएगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाए, आप अपने बिजनेस के बारे में सोचे, अपने फैक्ट्री बनाने के एस्टेब्लिश के बारे में सोचे, बिकॉज जॉब्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट नाउ। मतलब जो ऑलरेडी है वही लोग कितने दिन सर्वाइव करके उसके अंदर, दैट्स अ हार्श रियलिटी। मतलब उसके अंदर कोई ये नहीं है कि ऑलमोस्ट वर्कफोर्स कितना काटा छाटा जाने वाला है, दैट्स अ स्कैरी स्कैरी पिक्चर। तो हमारे को ये है कि हम लोग अपने अपने एस्टैब्लिशमेंट्स किस तरह से, अपना बिजनेस किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं, कैन वी हैव आवर ओन फैक्ट्रीज, कैन वी हैव हमारा एंटरप्रेन्योरशिप को हम डेवलप करवा सकते हैं क्या, समथिंग ऑन दैट लाइंस वी विल हैव टू वर्क टुगेदर। एंड और ये फील्ड के अंदर, ये जब काम करने का, जब एवरीथिंग लॉकडाउन ये वो पीरियड खत्म हो जाएगा, देन आई थिंक ऑल यू पीपल विल हैव टू कम इन टू पिक्चर, और तब आप लोगों की मदद ली जाएगी कि आप लोगों के तरफ से किस तरह का गाइडेंस होता है। एंड देन वी विल हैव टू एनकरेज द यूथ टू स्टार्ट योर ओन ओन सेटअप इंस्टेड ऑफ जस्ट रनिंग आफ्टर जॉब्स, क्योंकि अब जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल बात रहेगा। फार्मेसी के लिए हम खुद ये कर रहे हैं कि वी वॉन्ट टू मेक औरंगाबाद, बेसिकली मेरा खुद का ये है कि वी आर ट्राइंग रोप इन नंबर ऑफ बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज की हम औरंगाबाद के अंदर, बिकॉज बेसिकली देखिए, मतलब ये सबके लिए है कि चूंकि आप लोग सब औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मट्टी से मोहब्बत है। नाउ आप लोगों को मेरी तरफ से एज एन एमपी ऑफ औरंगाबाद, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि यू विल हैव टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ औरंगाबाद। सी, आप जब इंडस्ट्री इंडिया में आने की जब बात करती है, वी थिंक अबाउट पुणे, वी थिंक अबाउट बैंगलोर, वी थिंक अबाउट अहमदाबाद, लेकिन इतना ज्यादा सैचुरेशन वहां पर हो चुका है कि आप बैंगलोर की कई इंडस्ट्रीज ये सोचते हैं कि नहीं यार, इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू रीच आउट टू द एयरपोर्ट, हमारी कंपनी को जाने के लिए अगर दो दो घंटा हमको ट्रेवल करना है। वेयर एज इन औरंगाबाद वी हैव अ लार्ज पूल ऑफ लैंड अवेलेबल, MIDC शेंद्रा दैट इज कमिंग अप, इट्स अ 5-स्टार इंडस्ट्रियल जोन, और एक सिटी जो आ रहा है, आप लोग अगर ऑनलाइन अगर इसको चेक करेंगे, इट्स अ लवली थिंग दैट्स कमिंग अप। The only thing is now we need to attract industries from across the globe, and I think this is the best time कि जब चाइना से लोग निकल रहे हैं तो हम इंडिया को अट्रैक्ट करें, और जब इंडिया में वो आ रहे हैं तो हम औरंगाबाद को पुश करें करके। अब क्योंकि पूना का भी सिचुएशन वैसा ही हो गया है, तो अगर कोई बंदा, अगर कोई इंडस्ट्री पूना में या दूसरे शहरों के अंदर कर रहा है,
I think the cost difference would be huge if he decides to set up that same industry in Aurangabad. Aur kaisa hai ki aap airport ke bahar nikle, it's hardly going to take 15 minutes for you to reach out to that industrial area jo hamara naya Auric City ya Shendra develop ho raha hai. To aap logon ko khud personally hai to kabhi bhi ye mauka mil gaya hai to Aurangabad ko push kariyega usme, kyunki agar Aurangabad develop honga to और बच्चों को अच्छी नौकरियां लगेगी, एम्प्लॉयमेंट लगेगा. अभी तो देखिएगा, मतलब अब पता नहीं है आगे का क्या सिनेरियो रहेगा, लेकिन हमने एयरपोर्ट के अंदर इतने फ्लाइट्स हमने लेके आ गए थे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यही था कि अब नाउ दैट वी हैव गुड एयर कनेक्टिविटी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ट्राइंग फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑल्सो. मतलब मैं ये बताना चाहूंगा एजाज भाई को कि हमारी बहुत आगे तक हम लोग चले गए थे कि हम लोग एक दुबई से एक फ्लाइट का था और एक सिंगापुर से हम लोगों का एक फ्लाइट के लिए ऑलमोस्ट, मतलब उसमें मतलब थैंक गॉड कि मतलब मैं सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की. सो आई वाज यूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड दैट प्लेटफॉर्म कि चलो यार मौका मिला है तो औरंगाबाद को पुश कर दिया जाए. तो जिस एयरपोर्ट के ऊपर महज दो फ्लाइट्स ऑपरेट किया करते थे, आज वहां पर 16 फ्लाइट्स ऑपरेट हो रहे थे. नाउ ऑल दैट हैज स्टॉप्ड. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो बिकॉज द एयरलाइन इंडस्ट्री इज रियली गोइंग टू बी इन बिग मेस. इट्स ऑलरेडी इज इन बिग मेस. तो आगे क्या होने वाला है, बट वंस वी हैव दैट कनेक्टिविटी हमारा नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा कि लेट्स पुल इन सम बिग इंडस्ट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. थैंक यू फॉर दैट डिटेल आंसर. सो अभी क्या है कि कुछ और लोग भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो थैंक्स तौसीफ, शोएब, एजाज, जमील भाई फॉर योर यू नो टाइम एंड आस्किंग क्वेश्चंस. आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू ड्रॉप ऑफ सो दैट यू नो ज्यादा वो कॉम्पैक्ट ना दिखे, थोड़ा इम्तियाज भाई दिखे कि उनसे हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा फोकस. ओके, जज़ाकअल्लाह. Thank you for being in the background. Thank you for joining.